इस वक्त हमारे साथ कपिल काग जी जुड़ चुके हैं, पूर्व एयर मार्शल कपिल काग जी, आपसे जानना चाहेंगे। एक तस्वीर इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी में तमाम दिग्गज नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर आई है और उस पर बकायदा दो कोट्स भी, चुनावी कोट्स लिखे हुए हैं, मोदी है तो मुमकिन है और नमो अगेन। क्या यह आचार संहिता के खिलाफ नहीं है? क्या इन सब पे, क्या एयर फोर्सेज या आर्मी या नेवी के तमाम जो मेंबर्स होते हैं उस पर राजनीति करना कितना जायज है? बिल्कुल जायज। पहली बात है कि केंद्र सरकार ने जो पार्टी चला रहे हैं उस पार्टी ने एक नीति बनाई है जो मैं नेशनल मीडिया में देख रहा हूँ कि एक तो मिलिटराइजेशन है, देश को मिलिटराइज किया है लोगों के विश्वास में, देश के देशवासियों को हमारी आर्म फोर्सेस की काफी इज्जत है। ये आज की बात है, पिछले कागजात से नहीं है, ये जब से स्वतंत्रता आई है भारत को और इतने युद्ध हुए हैं इनकी बहुत इज्जत है सारे नागरिक, भारत के नागरिक को। तो इसको अगर आप फेटिशाइज करेंगे, जैसे अंग्रेजी में एक फेटिश बना दिया है, मिलिटराइज किया गया है, ये एक एक राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो ये उचित नहीं है। ये जनरली ये प्रिंसिपल है, मैं देख रहा हूँ ये पिछले 5 साल से चल रहा है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक है उसको पॉलिटिसाइज किया है, जिसने सर्जिकल स्ट्राइक की लेफ्टिनेंट जनरल हुडा जो नॉर्दर्न कमांड के जीओसी चीफ है, उन्होंने इसका क्रिटिसाइज किया है, सरकार को क्रिटिसाइज नहीं किया है मगर एडवाइस दी है कि देखिए ये इसको एक राजनीतिक रुख मत दे दीजिएगा। हमारी सेनाएं हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन और भारत की सेनाएं हैं, वो किसी पार्टी की सेना नहीं है, जो पार्टी हो या ना हो। कपिल काग जी, क्या आपको लगता है कि ये आर्म्ड फोर्सेस का बीजेपी की तरफ से गलत इस्तेमाल करना हुआ और लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की चुनावी होर्डिंग लगाई गई है? ये कोई शक नहीं है, ये तो एक बच्चा जानेगा कि अगर आप प्रधानमंत्री के पोस्टर जो आपके जो भी पोस्टर लगेंगे मुमकिन है या ना है, नामुमकिन है, ये सब चुनावों की तरह जा रहे हैं पोस्टर, सब स्पीचेस, सब इनॉग्रेशन, जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है ये चुनाव की तरह जा रहा है, क्योंकि चुनाव में कुछ थोड़ा सा थोड़ी सी डाउट है कि कितनी सीटें किसको मिलेंगी। तो ये सीटें ज्यादा लाने के लिए आप जानते हैं एक पार्टी के नेतृत्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इंडियन एयरफोर्स ने हमें 22 सीट दिलवाई है, मतलब ये प्रोजेक्शन किया आगे के लिए, ये बिल्कुल गलत है। हम अपने भारत को जिसकी इतनी इज्जत सारे विश्व में होती है उसको हम मट्टी में डूब रहे हैं ऐसे ऐसे सवालात से और ऐसे आते चले।